भागलपुर नाथनगर प्रखंड की सुलोचना कुमारी भुवालपुर पंचायत समिति। सुलोचना कुमारी ने मांगे अपने लिए समर्थन और वोट। सुलोचना कुमारी ने जनता से अपील की है कि फ्रॉक छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए। उनकी कामयाबी आप सबकी, जनता की कामयाबी होगी। और इसी के साथ सुलोचना कुमारी ने पंचायत वासियों को धनतेरस, दीपावली और छठ पूजा की बधाई दी। मैं सुलोचना कुमारी भुवालपुर पंचायत से पंचायत समिति सदस्य हूँ। अगर आपको जनता बहुमत देता है देती है तो उस पे आप कैसे खड़ा उतरिएगा? सबसे पहले तो मैं विकास में, यदि जनता हमको पूर्ण बहुमत देती है तो हम सबसे पहले विकास का कार्य तो करेंगे ही। सबसे पहले मैं रिंग बांध बनवाऊंगी, जो कि महिलाओं को बहुत दिक्कत होता है शौचालय जाने में, पानी के लिए हाहाकार हो जाता है। जिस तरह से भुवालपुर पंचायत में पुरानी सराय, फतेहपुर, भुवालपुर, नवटोलिया में जो बाढ़ आती है तो बहुत से महिलाओं के, ये तो पुरुषों को भी दिक्कत होता है, फिर भी महिलाओं को ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि उसको शौचालय करने के लिए बहुत दिक्कत है। इसलिए मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगी कि सुलभ शौचालय की बनाने की हम कोशिश करेंगे। प्रत्येक जगह पे, चौक चौराहे पे सुलभ शौचालय तो देंगे ही, पर घर घर में हम जाके सुलभ शौचालय का निर्माण करवाएंगे। और रही बात फिर पुस्तकालय की, पुस्तकालय जो हमारे पंचायत में नहीं है, मैं कोशिश करूंगी कि प्रत्येक गांव में पुस्तकालय की योजना मैं शुरू करूंगी, जिससे कि पूरे गांव में विद्यार्थी सबको बाहर से बुक लाने की ज़रूरत नहीं है, अपना पुस्तकालय से बुक निकालेंगे और पढ़ाई करेंगे। अच्छा, देखा जाए तो यहाँ लोकल में एक भी हॉस्पिटल नहीं है जी। तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा? हॉस्पिटल मैं कोशिश करूंगी कि हॉस्पिटल बनाने की पंचायत में, क्योंकि यहाँ की महिलाएं नाथनगर में जाती है प्रसव कराने के लिए, तो उसको जो है कि गाड़ी का व्यवस्था करना पड़ता है या फिर बहुत सारे ऐसे एम्बुलेंस है उसको बुलाना पड़ता है। इसीलिए मैं हॉस्पिटल यहीं पे बनवाऊंगी अपने पंचायत में, जिससे कि महिलाओं को प्रसव कराने में दिक्कत नहीं हो। बेड जो है क्या कि हम 10-15 बेड एक मतलब हॉस्पिटल में लगा के, एक से कहिए तो बहुत सारे बेड हम लगा के महिलाओं को यहीं पे प्रसव करवाएंगे। अगर जनता जी आपको पूर्ण बहुमत देता है तो आप स्कूल के लिए क्या सोचे हैं और स्टेडियम के लिए क्या सोचे हैं? आपके गांव में कन्या मध्य विद्यालय नहीं है तो उसके लिए क्या आप सोचे हैं? मैं पंचायत में कन्या मध्य विद्यालय खुलवाऊंगी, जिससे कि लड़कियों लोग को मतलब बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे पढ़ेगी, लड़कियों को सारी सुविधाएँ स्कूल से मिलेगी। हम ये पूरी प्रयास करेंगे। और जहाँ तक है कि स्टेडियम का, ये तो आधा अधूरा बना हुआ है, इस पर कोई कुछ नहीं कर रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि इस स्टेडियम को पूरा करूँ, जिससे कि यहाँ पे खेल कूद होते रहे और आदमियों सबको दिक्कत ना हो, जैसे घूमने फिरने गया अपना फील्ड पे घूमे फिरे खेले कूदे। फिर बहुत से ऐसे कार्य है जो कि स्टेडियम में कर सकते हैं। शुरू कीजिए। दीपावली और छठ की हार्दिक बधाई देती हूँ पूरे भुवालपुर पंचायत को, जो कि हमें भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। मेरा पंचायत समिति सदस्य हूँ और मेरा छाप है फ्रॉक क्रम संख्या 7 पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनावे पंचायत। जय हिंद, जय भारत, जय भुवालपुर पंचायत।